अगर आप हॉलमार्किंग का भी सोना खरीद रहे हैं तो सावधान रहे, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला छपरा शहर से सामने आया है। इस बात का खुलासा एक सुनार के द्वारा ही किया गया है। उक्त सुनार अवतारनगर थाना क्षेत्र निवासी विकास कुमार के द्वारा सारण एसपी को शिकायत कर जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा शहर के श्री ज्वेलर से सोना खरीदा गया जिस पर 75% का हॉल मार्किंग था, लेकिन जब उसके द्वारा जांच कराया गया तो वह 65% के आसपास ही निकला। जिसके बाद उसने जब इस बात की शिकायत उक्त दुकानदार से की तो उनके द्वारा धमकी दी जाने लगी, जिसको लेकर उक्त सुनार ने ही इस बात का खुलासा करते हुए एसपी के सामने आवेदन दिया है। आगे आप खुद उस स्वर्णकार की जवानी सुने कि कैसे हॉलमार्किंग में भी धांधली की जा रही है। मेरा नाम विकास कुमार धर नरा पड़ेगा। मैं देहात में घूम कर सोना चांदी का कारोबार करता हूँ। मैं छपरा साहेबगंज श्री ज्वेलर्स दुकान से कहना लिए थे, 75% बोल कर दिए थे, लेकिन हम जाली मोहर लगवा कर दिए थे। हम चेक करवाए तो आया 62%, और हम कंप्लेन कवर किए तो उसके बाद मोबाइल पर हमको धमकी जान मार कभी जान चला जाता। कौन धमकी दिया? जीतू कुमार सोन। कौन है ये? तो मालिक है, श्री ज्वेलर्स का मालिक। फिर क्या हुआ? फिर हम एसपी से गुहार लगाना है। कैसे मालूम चला कि वो हॉल मार्किंग पर 70% का गलत है? मशीन पर चेक करवाया। कितना परसेंट निकला था? 62%। अब क्या मांग करोगे प्रशासन से? उचित कार्रवाई की।